हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेल जानकारी। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बुलेट ट्रेन से रिलेटेड खास खबर। तो सर फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी कर दे प्रेस, ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले पहले। तो फ्रेंड्स, आपको बता देता हूँ कि बुलेट ट्रेन की परियोजना के बारे में तो आपने सुना होगा कि, लेकिन बुलेट ट्रेन की परियोजना में आखिर इतना समय क्यों लग रहा है यार? 2023 में पहले ये प्रोजेक्ट होने वाला था, फिर अब 2028 में कि 5 साल डिले हो गया। वो तो पता है आप लोगों के, कोविड की वजह से भी कुछ इफेक्ट पड़ा है, लेकिन क्या मेन रीज़न कोविड ही है या और भी कुछ रीज़न है? तो फ्रेंड्स, और भी कुछ रीज़न है। वो रीज़न है स्लो लैंड एक्विजिशन का काम, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, 92.77 हेक्टेयर का प्रपोजल है कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गुजरात के नवसारी में है, और इसमें से केवल 5.26 हेक्टेयर का ही एक्विजिशन का काम हो पाया है, और मुंबई और महाराष्ट्र में 14.85% का हो पाया है और 18.67% लैंड एक्विजिशन हो पाया है। तो लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ा कारण बन के आ रहा है फ्रेंड्स। और जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलने वाली है बुलेट ट्रेन, इसमें 740 फार्मर्स ने अपनी ज़मीनें दी है। और फ्रेंड्स, और खबर बता देता हूँ कि इसमें जो NHSRCL की तरफ से खबर आ रही है कि 1396.37 हेक्टेयर लैंड एक्विजिशन होना है, जो कि जिसमें से 955.9 हेक्टेयर गुजरात में होना है, और 431.51 हेक्टेयर महाराष्ट्र में होना है, और 8.96 हेक्टेयर यूनियन टेरिटरी जो है हमारी दादर नगर हवेली वहाँ होना है। लेकिन गुजरात में इसमें केवल 82.17% ऑफ ये लैंड एक्विजिशन का काम हो पाया है। गुजरात में जो हो पाया है वो 82.17% का काम हो पाया है लैंड एक्विजिशन का। दादर नगर हवेली में जो काम हो पाया है वो 79.57% का लैंड एक्विजिशन हो चुका है। महाराष्ट्र में 23.21% का लैंड एक्विजिशन का काम हो चुका है। मतलब जो इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स केवल क्या आ रही है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम आ रही है लैंड एक्विजिशन। मेन प्रॉब्लम यही आ रही है कि लैंड एक्विजिशन। और भी काफ़ी खबरें हैं फ्रेंड्स जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे और भी इसमें, इस न्यूज़ में दे रखा है इस बुलेटिन में, कि इसमें 3700 करोड़ ऑलरेडी जो है डिसबर्स कर दिया गया है फार्मर्स, जो फार्मर्स अपना ज़मीनें दे रहे हैं, जो महाराष्ट्र और अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन चल रही है उसमें 3700 करोड़ का जो अमाउंट है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है फार्मर्स को, और जो फार्मर्स दे रहे हैं इस इनमें ज़मीनें। तो ये पूरी की पूरी खबर निकल के आ रही है फ्रेंड्स, जो इसमें अहमदाबाद में 95.67% का काम हो चुका है। काम हो चुका है मतलब लैंड एक्विजिशन का काम हो चुका है। भरूच में 95.57% का काम हो चुका है लैंड एक्विजिशन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज वाइज दे रखा है कि कितना लैंड एक्विजिशन का काम हो चुका है कहाँ कहाँ पे। तो फ्रेंड्स, लैंड एक्विजिशन पे काम तो चल रहा है, लेकिन लैंड एक्विजिशन अभी हो नहीं पाया है पूरी तरीके से। तो ये है खबर एक, और वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, आपके लिए एक खबर और है कि बुलेट ट्रेन की तरफ से ये भी खबर आ रही है कि बुलेट ट्रेन परियोजना से रोजगार भी मिलेगा। तो कैसे रोजगार मिलेगा ये आपको बता देते हैं कि ये हिंदुस्तान जो अखबार है उसमें छपा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि 90,000 से अधिक लोगों को रोजगार देगी बुलेट ट्रेन परियोजना। कैसे देगी बुलेट ट्रेन परियोजना ये भी हम जान लेते हैं फ्रेंड्स, कि 51,000 से अधिक टेक्नीशियन, कुशल व अकुशल कामगारों की ज़रूरत है। तो इन ज़रूरतमंदों के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए हमें रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, और 34,000 से अधिक आप प्रत्यक्ष रोजगार के लिए भी अवसर मिलेंगे। मतलब जो रोजगार के अवसर हैं, जब बुलेट ट्रेन बनेगी या बुलेट ट्रेन की परियोजना जब चलनी स्टार्ट होगी तो बेरोजगारी भी थोड़ी कम होगी। कैसे फ्रेंड्स, थोड़ा एक आर्टिकल में पढ़ के आपको बता देता हूँ कि बेरोजगारी से परेशान युवाओं के लिए खुशखबरी, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत निर्माण के दौरान ही 90,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली महत्वाकांक्षी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को क्रियान्वित करने वाले नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि इसके दौरान, मतलब इसके प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों मिलाकर 90,000 से अधिक रोजगार का अवसर पैदा होंगे। तो रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं देश में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुराई हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और क्या आपको खामी लगती है वीडियो में बताइए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।